नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। पत्रकार प्रदीप पाल ने गुरुवार रात्रि को रास्ते में लावारिश हालत में मिला कीमती मोबाइल फोन उसके मालिक तक पहुंचाकर ईमानदारी का दिया है परिचय। शुक्रवार को टाउन पुलिस थाना में थाना प्रभारी की मौजूदगी में उक्त मोबाइल फोन उसके मालिक को सौंपा गया। जानकारी के अनुसार पत्रकार प्रदीप पाल गुरुवार रात्रि को बाइक पर टाउन से बाईपास रोड पर जा रहे थे। अचानक उसकी नज़र सड़क पर पड़े मोबाइल फ़ोन पर पड़ी। प्रदीप पाल ने मालिक का पता लगाने के लिए मोबाइल फ़ोन उठा लिया। उसके कुछ देर बाद उक्त मोबाइल फ़ोन पर कॉल आई तो कॉल करने वाले ने मोबाइल फ़ोन अपना होने की जानकारी दी है। प्रदीप पाल ने शुक्रवार को मोबाइल फ़ोन उन्हें सौंपने की बात कही। शुक्रवार सुबह मोबाइल फ़ोन मालिक अश्विनी बिश्नोई पुत्र अमर सिंह बिश्नोई निवासी श्रेका हाल सनसिटी कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन को पुलिस थाना में पहुंचकर वहां पर थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ की मौजूदगी में यह मोबाइल फ़ोन प्रदीप पाल ने अश्विनी बिश्नोई को सुपुर्द किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका इस संबंध में क्या कहना है। बिश्नोई नाम से लेकर मेरा मोबाइल कल रात को धानमंडी बाईपास पर गिर गया था तो प्रदीप जी को मिला, पत्रकार जी को। उन्होंने शेही साहब के सामने ये मुझे दिया, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो आपको मालूम कैसे लगा कि प्रदीप जी के पास है मोबाइल? मैंने फ़ोन किया तो प्रदीप जी ने फ़ोन उठाया, जब मेरे को पता चला कि ये प्रदीप जी के पास है। कौन सा मोबाइल था? सैमसंग था जी, A30। क्या कीमत होगी मोबाइल की? 30,000 थी। 30,000 की थी। ऐसे कैसे गिर गया मोबाइल, मालूम जेब से गिर गया सर? ऊपर वाली जेब में था, मोटरसाइकिल से गिर गया। तो अब क्या आप खुश हो, आप मोबाइल आपको मिल गया? आपका और प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे फ़ोन वापस दिया। यहाँ एक और अश्विनी बिश्नोई के द्वारा प्रदीप पाल का धन्यवाद किया गया। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने भी प्रदीप पाल पत्रकार का इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने सही व्यक्ति को सही समय पर मोबाइल वापस लुटाया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।